हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग फॉन्ट ऑसम को कैसे इस्तेमाल करने अपने वेब प्रोजेक्ट में, इसके बारे में जानेंगे। समझ लीजिए कि ये फॉन्ट ऑसम का एक क्रैश कोर्स है। फॉन्ट ऑसम के ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। google.com पहले अपन ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ फॉन्ट ऑसम सर्च करना है। पहला जो सर्च रिजल्ट आएगा वो फॉन्ट ऑसम का ऑफिशियल वेबसाइट होगा, जो कि है fontawesome.com। इसको ओपन करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई, गेट वेक्टर आइकन्स एंड सोशल लोगोज ऑन योर वेबसाइट विद फॉन्ट ऑसम द वेब्स मोस्ट पॉपुलर आइकन सेट एंड टूलकिट। सो बहुत ही पॉपुलर है ये जो आपको आप देख रहे हैं फॉन्ट ऑसम, और अप टू डेट होता रहता है, वेरी फ्रिक्वेंटली इसके वर्जन आते रहते हैं। सो नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती हैं। फॉन्ट ऑसम को आप अपने वेब प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक है इसका CDN इंक्लूड करके, और दूसरा है आप इसको लोकली डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कीजिए। मैं पहले आपको CDN दिखाता हूँ बिकॉज वो ईजी है, देन मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप डाउनलोड करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट ओपन होने के बाद आपको हाउ टू यूज़ में जाना है, देन ये गेटिंग स्टार्टेड ऑन दी वेब लिखा हुआ रहेगा। यूज़ फॉन्ट ऑसम फ्री CDN, ये फ्री CDN है, इनके सर्वर में ये लोड है, बस आपको ये जो लिंक है इस लिंक को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। इसका दो वर्सन है, याद रखिएगा, फ्री और प्रो। प्रो के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, फ्री एज यूजल फ्री है। इस चीज़ को इंक्लूड करने के लिए हमें एक HTML यानी कि एक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी। सो एक फोल्डर बनाता हूँ मैं अपने वेब अपने डेस्कटॉप में, तो एक न्यू फोल्डर यहाँ से बनाते हैं और इसको लिख देते हैं ऑसम प्रोजेक्ट। ओके, ये प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे इसमें, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर बनेगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ VS Code। सो आप लोग कोई भी एडिटर यूज़ कर रहे हो, आप इस तरीके से एक फोल्डर बनाइए, प्रोजेक्ट फोल्डर, उसको एड कीजिए। और डेस्कटॉप में तो डेस्कटॉप यूज़ मैंने सेलेक्ट किया, देन ये हमारा फोल्डर है, इसको एड कर लेता हूँ मैं। एड करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, देन न्यू फाइल, और एक index.html का फाइल हम बना लेते हैं, HTML फाइल। यहाँ बेसिक सा कोड लिख रहा हूँ मैं HTML का। उसके बाद ये जो CDN है इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए यहाँ बटन दिया गया है, बट आप इसको डबल क्लिक करके पूरे को कंट्रोल ए सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है, हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट करना है। सो इसमें आते हैं मेटा के नीचे और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप फॉन्ट ऑसम को यूज़ कर सकते हैं बॉडी के अंदर में, इसके आइकन्स को। एक सैम्पल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आइकन्स में क्लिक करना है, इस एड्रेस बुक आइकन को हम लोग चूज़ करते हैं। यहाँ आपको कैसे यूज़ करना है उसका कोड यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ डबल क्लिक करके आप सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ कॉपी का बटन दिया गया है, कॉपी कोड। इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है बॉडी में, जहाँ पे आपको इसको यूज़ करना है, इस आइकन को, वहाँ आपको बस ये कोड पेस्ट कर देना है। इस कोड में लिखा गया है आई टैग क्लास FAR एड्रेस बुक। ये एड्रेस बुक ये जो लिखा गया है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू आइकन। लाइक दूसरा आइकन अगर आप देखेंगे, मतलब इसको बैक करते हैं और एक और कोई आइकन्स ओपन करते हैं, लाइक हम लोग ओपन करते हैं ये ए, इसमें क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर आपको FA तो ये कॉमन है, बट ADN इसका ADN नाम है, इसका एड्रेस बुक नाम है। ओके, सो ये अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देती है। FAR FFB ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पता चल जाएंगी अगर आप इसके वेबसाइट को पढ़ेंगे तो, लेकिन उतना डिटेल हमें जिसके बारे में जानने का सकते नहीं है। जो भी आइकन आपको पसंद आए या जो भी आइकन आपको यूज़ करना है, बस उसमें क्लिक कीजिए, उसका कोड कॉपी कीजिए और अपने वेब प्रोजेक्ट में उसको कोड कॉपी करना है, देन उसके उसको अपने वेब प्रोजेक्ट में जहाँ भी आपको यूज़ करना है उसको पेस्ट कर दीजिए। इससे ज़्यादा इसमें आप कुछ भी नहीं करना, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं करना। सो मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ आपको यहाँ आइकन्स दिखाई देंगे, देखिए तीन आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। इसको अगर मैं जूम करूँ भी कुछ देर के लिए, देखिए ये तीन आइकन्स आपको अलग अलग आइकन्स दिखाई दे रहे हैं।
ओके सो ये है कि किस तरीके से फॉन्ट ऑसम को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग CDN। अब मान लीजिए मुझे लोकली इसको डाउनलोड करके यूज़ करना है, सो फिर से हाउ टू यूज़ में जाते हैं, देन इसको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन, यहाँ देखिए यहाँ आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, यह डाउनलोड फॉन्ट ऑसम फ्री, एक फ्री है एक प्रो है, प्रो के लिए पैसा देना पड़ेगा, फ्री फ्री है। सो यहाँ क्लिक कर दें, इसको डाउनलोड कर लेते हैं क्विकली। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये हमारा 11.56 यानी कि 11.56 MB का है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको ये एक zip फाइल मिलेगा इस तरीके से, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्विकली। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये एक फोल्डर मिलेगा, इस फोल्डर को ओपन करते हैं। इस फोल्डर में आप इंटर करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे, बहुत सारे फाइल्स मिलेंगे, बट इतना फोल्डर और इतना फाइल्स हमें ज़रूरी नहीं है, हमें जो ज़रूरी है बस वही चीज़ हम लोग इसमें से लेंगे। सो इसमें ज़रूरी है हमारा ये all.min या फिर all, इन दोनों में से कोई एक इंक्लूड कर सकते हैं। ऊपर वाले का मिनिफाइड वर्सन है, नीचे वाला ये all.min, सो दोनों में से किसी एक को आप इंक्लूड कर सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी कि all.min को इंक्लूड कीजिए, बाकी सबको आप डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये डिलीट हो गया और ऊपर वाले को फिर मैंने डिलीट कर दिया, बस हमें एक यही चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। मेरा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो यही है डेस्कटॉप में ही, जिसमें लोगों ने एक index.html बनाया हुआ है। इसमें एक फोल्डर बनाते हैं या फिर इसी को कट करके डाल देते हैं, यहाँ से इस CSS वाले फोल्डर को कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में। एक और आपको आवश्यकता पड़ेगी इस वेब फॉन्ट्स फोल्डर की, तो इसको भी कट करते हैं और इसको भी यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। एक बार रिफ्रेश, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं इस फोल्डर को। हमें इस जिप की आवश्यकता नहीं है तो इसे भी डिलीट कर देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा एक CSS फोल्डर है जिसके अंदर हम लोगों ने all.min.css रखा हुआ है, और इसके अंदर एक वेब फॉन्ट्स नाम का फोल्डर है जिसके अंदर डिफॉल्ट जो भी फाइल्स हैं मैंने उसको उन सभी को रखा हुआ है, और एक index.html है जो कि बेसिक से HTML अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्रिएट किया था। इसको क्लोज़ करते हैं और VS कोड में जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो CSS का फोल्डर था वह आ गया है और वेब फॉन्ट्स का फोल्डर था वह भी आ गया। CDN से अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, तो हम लोग को ये पूरा का पूरा हटा देना है। हम लोग लोकली यूज़ करेंगे इसको, यानी कि जो डाउनलोड किया है उसको यूज़ करेंगे। हेड टैग के अंदर ही एक लिंक टैग बनाना है आपको, उसके बाद href में इसका पाथ आपको देना है इस all.min.css को। सो ये हमारा CSS के अंदर all.min.css, बस इतना ही लिखना है आपको। सेव कीजिए, सेव करने के बाद आपका जो फॉन्ट ऑसम है वो इंक्लूड हो चुका है इस लाइन की वजह से, और ये सारी चीज़ें आपको शो होकर दिखेंगी आपके पेज में। इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद वेब पेज में इसको ओपन करते हैं और इसको वापस रिफ्रेश करते हैं। सो एज इट इज़ ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ तक हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है कि किस तरीके से फॉन्ट ऑसम का आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तक के कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हैं। वेब फॉन्ट ऑसम को यूज़ करने के लिए आप CDN का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली वेबसाइट से ऑफिशियल साइट जाइए, फॉन्ट ऑसम के ऑफिशियल साइट में जाइए, हाउ टू यूज़ में क्लिक कीजिए, वहाँ से CDN का लिंक कॉपी कीजिए और हेड टैग में आकर पेस्ट कर दीजिए बस, और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोकली इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में इसको रखिए, देन ये एक लाइन आप लिखिए, यानी कि all.min.css को इंक्लूड कर लीजिए और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये दो तरीके हैं फॉन्ट ऑसम को यूज़ करने के। इन्होंने एक कमाल का डॉक्यूमेंटेशन बनाया है जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। अगर आप इसके यहाँ पर जाएंगे, स्टाइलिंग इस सेक्शन को देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, कि जूम किया मैंने, स्टाइलिंग सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको मिलता है कि साइजिंग आइकन्स, यानी कि आइकन्स को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको आइकन फिक्स्ड विड्थ में चाहिए तो कैसे आप करेंगे, आइकन्स को लिस्ट में चाहिए तो कैसे करेंगे, आइकन को रोटेट करना तो कैसे करेंगे, अगर आइकन्स को एनिमेट करना तो कैसे करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके रखी गई हैं। सो आपको इसको ज़रूर से देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं साइजिंग आइकन्स की, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद हमारा साइजिंग आइकन्स का पेज ओपन हो गया है। ये क्या कहता है कि आप अगर फॉन्ट साइज को, आइकन्स इनहेरिट द फॉन्ट साइज ऑफ देयर पेरेंट कंटेनर विच अलाउ देम टू मैच एनी टेक्स्ट
यू माइट यूज़ विथ देम। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उतना हमें पढ़ना नहीं है, हम लोग कभी पढ़ते नहीं हैं मैनुअल बुक्स किसी भी डिवाइस के साथ। तो यहाँ साइज़ डिफाइन किया गया है FAXS, FASM, FALARGE, LG, FA2X, FA3X, FA5X, FA7X और FA10X। इनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ नीचे दिया गया है कि FXS का मतलब होता है 0.75 EM, और लार्जेस्ट को देखें तो 10X का मतलब होता है 10 EM। सो ये डिफाइन किया गया है, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फॉन्ट को आपको बड़ा करना है, ये भी बहुत छोटा लग रहा है, अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने फॉन्ट में या ये क्लास एड कर देता हूँ। ये एक क्लास है, इसको पेस्ट किया मैंने यहाँ, यहाँ भी पेस्ट कर दिया और यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, तीनों में पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको बड़ा होकर दिखाई देगा। ओके, सो ये है आपका साइजिंग, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसका यही है कि आप किस तरीके से साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप चाहें तो इनलाइन फॉन्ट साइज देकर भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, वह आप लोग करेंगे क्योंकि आप लोग CSS जानते हैं। फिक्स्ड विड्थ आइकन्स अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आपको एक क्लास एड करना पड़ेगा जो कि है FA-FW। ये आपको फिक्स्ड विड्थ बनाएगा आपके आइकन्स को। पूरा लिखने का तरीका इसमें से देख लीजिए, मेरे ख्याल से इसी को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक डिव बनाना है, डिव के अंदर आई टैग लिखना, आई टैग के अंदर जो जैसे हम लोग कोड लिखते हैं वैसा लिखना है। मैं आपको ये लिख कर दिखाता हूँ जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस पूरे को रिमूव करते हैं, आपको एक डिव बनाना है और डिव के अंदर आपको एक आई टैग लिखना है, और इस आई में आपको क्लास देना है, यानी कि क्लास कर देंगे आप क्लास उस आइकन को। चलिए हम लोग एक आइकन ढूंढ लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ या फिर इसी में से ले लेते हैं, नहीं इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ। कि मेरे नेट में प्रॉब्लम है, आइकन्स में यहाँ क्लिक करना है, आइकन्स, आइकन्स में क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे आइकन्स चले आएंगे, उसमें से एक हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपने इस एग्जांपल के लिए। सो किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इस छोटा सा अगर कुछ मिल जाए हमें तो ओके, इसको लेते हैं एंड्रॉयड को, इसको मैंने क्लिक किया, इससे हमें मिल जाएगा इसका क्लास, यानी कि कौन सा क्लास यूज़ करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको ओपन किया। सो नीचे करते हैं, यहाँ पर आप देखिए FAB space FA Android, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये आइकन मिलेगा। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया सिर्फ इस क्लास को पर्टिकुलरली, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी हमें ये एक आइकन मिल जाता है, इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ तो आपको यहाँ एक एंड्रॉयड का आइकन मिल जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड विड्थ अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा FA-FW, इससे ये फिक्स्ड विड्थ का बन जाता है। इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो ये आपको फिक्स्ड विड्थ का मिलेगा। ये फिक्स्ड विड्थ का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्यों कब इसका यूज़ करना है, अगर आपको ये जानना है तो एक छोटा सा सिनेरियो देखिए मेरा, कि एक वर्टिकल मेन्यू आपको बनाना है आइकन्स के साथ। फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है, मान लीजिए आइकन्स में चेंज कर रहा हूँ, आप ये सारे आइकन्स आपको मिल जाएंगे उसी फॉन्ट समय जहाँ आइकन सर्च करते हैं वहाँ से आपको ये सारे क्लासेस मिल जाएंगे। लाइक होम लिखा मैंने, और एक और डिव बनाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ से इन्फो, और नीचे वाले में हम लोग कर देते हैं बुक, और एक हमारा है कॉग। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। हम लोग वर्टिकल एक मेन्यू बना रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सो इसमें कुछ गड़बड़ है। ओके, इसमें FAB नहीं है एक्चुअली, ये FAS है हमारा, ये गड़बड़ है। ओके, सेव किया मैंने। ये सारी चीज़ें आपको, ये जो क्लासेस हैं ये आपको मिल जाएगी उसी के वेबसाइट में, आपको याद करने का सकता नहीं है, बस सभी को कॉपी और पेस्ट करना है। रिफ्रेश किया, यहाँ सारे आइकन्स हमारे पास हैं। इसमें फिक्स्ड विड्थ का आपने यूज़ किया जिससे कि ये सब एक सीरियल साइज में दिखे। इसमें अगर हम लोग देते हैं इसको नाम, लाइक होम, और इसको दे देते हैं इन्फो, इसको दे देते हैं हम लोग लाइब्रेरी, और इसको दे देते हैं नाम सेटिंग,
सेटिंग्स। अभी अगर इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अगर अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या एक सीरियल विड्थ में, एक फिक्स्ड विड्थ में दिखाई देती है। इसको जूम करूँ मैं थोड़ा सा, ये जूम किया मैंने तो ये फिक्स्ड विड्थ में होने की वजह से एक साथ दिखाई दे रहा, फिक्स्ड विड्थ का साथ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए फिक्स्ड विड्थ का यूज़ किया जाता है जब आप इस तरीके के मेन्यू, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, किसी भी तरीके से बना रहे हैं। अगर इसको आपको बड़ा करना है तो अभी तो हम लोगों ने जूम किया, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये इतना बड़ा आपको दिखेगा आपके वेब पेज में। अगर इसको आपको बड़ा करना है तो आप इसको फॉन्ट साइज दे दीजिए। फॉन्ट साइज देने के लिए आप क्या कीजिए, एक डिप बना लीजिए, क्योंकि सभी में देना है, तो एक प्रॉपर डिप बना लेते हैं और इसके अंदर ये सारे कोड हम लोग पेस्ट करते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा इंडेंट और यहाँ पर फॉन्ट साइज दे देते हैं इनलाइन स्टाइल में, स्टाइल फॉन्ट साइज, और इसमें देते हैं हम लोग 5 em फॉन्ट साइज। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपको ये इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे। हालांकि इतना बड़ा हम लोग देंगे नहीं अपने वेब पेज में, छोटा ही देंगे, बट देखने के लिए ये हमें सही लग रहा है। इसीलिए आपको ये डिव के अंदर में बनाना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ इसको अलग सभी को एक साथ फॉन्ट साइज में दे पाएंगे, मतलब सभी का फॉन्ट साइज एक साथ दे पाएंगे। और आप अगर इसको डिव के अंदर में लिखते हैं तो आपको यहाँ एक टाइटल देने को भी मिलता है। ओके, इसीलिए फॉन्ट असम वाले वेबसाइट में भी इसको इस तरीके से बनाया गया है। होपफुली ये आपका जो FAFW फिक्स्ड विड्थ है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है। आइकॉन्स इन अ लिस्ट, यानी कि किसी लिस्ट में अगर आपको आइकन्स देने हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यूज़ FAUL। आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्लास देना है FAUL, और LI में, LI के अंदर स्पैन बनाना है, स्पैन के अंदर आप FALI लिखेंगे, देन I के अंदर आप जो भी, जैसे जो जनरल सी कोड होता है, जो जनरल सी क्लास होता है, उसको आप लिखेंगे। सो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कि अगर आपको लिस्ट बनाना है आइकन्स का लिस्ट तो कैसे बनाएंगे। इस पूरे को हटाते हैं यहाँ से, यहाँ तक शुरू से बनाएंगे। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है मेरा, इसमें आपको क्लास देना है FAUL, FA-UL, और इसमें आपको LI बनाना है, LI के अंदर आपको एक स्पैन बनाना है, और इस स्पैन के अंदर आपको एक I बनाना है। ओके, I बनाना है मीन्स ये कोड होगा हमारे फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट से। सो इस स्पैन के अंदर एक क्लास बनाना है, और इस क्लास में आप लिखेंगे FALI, और इस आई के अंदर आप क्लास लिख बनाएंगे, और इस क्लास के अंदर आप कोड लिखेंगे जो भी आपका, जो भी आपको चाहिए आइकन, लाइक मुझे कौन सा आइकन चाहिए, मैं ऑफिशियल साइट में जाता हूँ और यहीं से एक ले लेते हैं। देखिए ये हमें चाहिए, ये चेकबॉक्स, ये लिस्ट वाला। सो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आप इसका नाम लिख दीजिए, जो भी आपको नाम लिखना, कहाँ स्पैन के बाहर, LI के क्लोजिंग LI से पहले, लाइक जावा प्रोग्रामिंग। सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, आपको यहाँ एक दिखाई देगा, देखिए जावा प्रोग्रामिंग। इस तरीके से मल्टीपल आप बना सकते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, ओके कॉपी पेस्ट किया मैंने, यहाँ से जावा प्रोग्रामिंग से जावा स्क्रिप्ट कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं रिएक्ट जेस। सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश कीजिए तो ये आपको एक प्रॉपर लिस्ट की तरह इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, ये क्लिकेबल नहीं है, याद रखिएगा, ये आइकन है। सो इस तरीके से आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, आइकन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, आइकन को एक लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं वापस से और बात करते हैं रोटेटिंग आइकन्स, आइकन को कैसे आप रोटेट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, टू यूज़ FA रोटेट, और यहाँ आपको लिखना है डिग्री, 90 degree, 180 degree, 270 degree, देन फ्लिप में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप लिख सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है कि FA रोटेट 90 लिखेंगे तो ये 90 डिग्री में रोटेट होगा, 180 के लिए 180 डिग्री में, 270 डिग्री में रोटेट करना है तो 270 लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल इसके नीचे कुछ भी नहीं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
कोई भी फॉन्ट यूज़ कीजिए, मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है क्लास, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ इसी को जो हम लोगों ने अभी देखा था इसके डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि है FA फॉन्ट ऑसम। ये जनरल सा भी कोई भी रोटेशन इसमें हमने नहीं लगाया है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश करेंगे, मैं ज़ूम कर लेता हूँ इसको, साइज डिफाइन करने के बजाय मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ, कम से कम हमें एग्जांपल पता चल जाएगा। सो ये ज़ूम करके इतना बड़ा हो गया, अभी ये नॉर्मल है, इसको रोटेट करना है मान लीजिए, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं FA रोटेट डैश 90 डिग्री में करना है तो 90 लिखना है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। उसी तरीके से 180 डिग्री के लिए आप यहाँ 180 लिखिए, 270 के लिए 270। अगर आपको इसको फ्लिप करना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा FA फ्लिप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली आप कर सकते हैं, तो मैंने हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल लिखना है, हॉरिजॉन्टल। सेव किया इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं अपने आइकन्स को। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एनिमेटिंग आइकन्स। सो ये कुछ तरीके से एनिमेट करते हैं। यूज़ द स्पिन FA स्पिन क्लास टू गेट एनी आइकन टू रोटेट एंड यूज FA पल्स टू हैव इट रोटेट विथ 8 स्टेप्स। वर्क स्पेशली वेन विथ FA स्पिनर एंड एवरीथिंग इन द स्पिनर आइकन कैटेगरी। सो स्पिनर आइकन कैटेगरी यहाँ चलते हैं सबसे पहले तो, और देखते हैं कि कौन कौन से आइकन्स स्पिन कर सकते हैं। सो ये स्पिन हो सकता है, ये स्पिन हो सकता है, ये स्पिन हो सकता है, ये यही सारी चीज़ें स्पिन हो सकती हैं। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसका कैसे यूज़ किया गया है, इसका यूज़ करने के लिए आप आई जो भी आपका क्लास का मतलब जो भी यहाँ आपको आइकन्स हैं उसमें किसी में भी एक में चूज़ कीजिए, लाइक लाइफ रिंग मैंने लिखा सेलेक्ट किया, तो इसका जो भी होगा यहाँ से कोड ये इसको आपको लेना है। ओके, सो उसके बाद आपको FA स्पिन क्लास इसमें ऐड करना है और ये आपका रोटेट होगा मतलब एनिमेट होगा। सो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं क्विकली। आई टैग लिखना है, आई टैग के अंदर एक क्लास बनाते हैं और इसमें हम लोग वही देख लेते हैं FAS और FA स्पिनर को ये क्लास देना है। स्पिनर ये स्पिनर ये जो क्लासेस हैं ये आपको सारी की सारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। आइकन्स में जाएंगे यहाँ पर, कहाँ गया हमारे, ये बैक करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी जो भी स्पिन होती हैं वो सारी की सारी आइकन्स यहाँ पर दी गई हैं। ओके, सो ये देखिए ये था तो ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी और भी बहुत सारी हैं। सो कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं आप, मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास था उसी को मैं ले लेता हूँ। उसके लिए हम लोग FAS लिखते हैं और FA स्पिनर, और इसको स्पिन करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा क्लास यूज़ करना पड़ता है जो कि FA। अभी अगर इतना लिखते हैं आप, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको अगर आप देखेंगे रिफ्रेश करके तो ये आइकन तो आ गया बट ये स्पिन नहीं कर रहा, ये एनिमेट नहीं हो रहा। एनिमेट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा क्लास यहाँ लिखना पड़ता है जो कि है FA स्पिन। सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो ये आपका एनिमेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो और भी बहुत सारे क्लासेस हैं जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, तो इनमें से किसी भी एक का यूज़ कीजिए। लाइक हम लोग इसको देखते हैं कंपास, इसको कॉपी करना है यहाँ से, इसको सिर्फ इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया मैंने। देन हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर बस इसको पेस्ट कर देना है, इसको हटा कर इसको पेस्ट कर देना है, और ये तो रहेगा ही, ये नहीं रहेगा अगर तो ये आपको एज एन आइकन आपको सिर्फ दिखाई देगा यहाँ पर। ये एनिमेट नहीं हो रहा अभी, लेकिन इसमें जब आप FA स्पिन इंक्लूड कर देंगे ये क्लास और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको एनिमेट होकर दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको इसको स्टेप बाय स्टेप यानी कि 8 स्टेप्स में स्पिन करवाना है तो उसके लिए आपको एक यूज़ करना पड़ेगा यहाँ FA स्पिन की जगह F पल्स, जो कि FA PULSE। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद होपफुली इसमें काम करें, इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो ये देखिए ये स्पिन हो रहा है बट 8 स्टेप्स में स्पिन हो रहा है, थोड़ा सा इसका चेंज हो गया। जैसे शादी में हम लोग लाइट्स देखते थे ना पुराने ज़माने में, वैसे ही स्पिन हो रहा है, नहीं
फोकसिंग ये है कैसे आप एनिमेट कर सकते हैं अपने आइकन्स को, कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, बस अच्छा दिख रहा है तो लगाना नहीं है, कंपैटिबिलिटी भी चेक करते जाना सभी का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा बॉर्डर। सो इसमें आपको मिलता है बॉर्डर प्लस पुल्ड आइकन्स, सो इसको इसके लिए आपको यूज़ करना ये एफ ए बॉर्डर, और अगर आपको राइट में करना है तो एफ ए पुल राइट लिखेंगे, और आपको लेफ्ट में करना है तो एफ ए पुल लेफ्ट करेंगे। इसको यहीं देख लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं तो इसको यहीं देख लेते हैं। ठीक है, एक आइकन लिया मैंने, आई क्लास लिखा, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, आई लिखा क्लास एफ ए एस एफ ए कॉट लेफ्ट, ये हमारा क्लास है, इसके लिए इस आइकन के लिए है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आप देख कर कॉपी कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो यूज़ किया गया वह यह है, ये वाला एफ ए पुल लेफ्ट। ओके, इसको कॉपी करते हैं और हम लोग वी एस कोड में इसको देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। ये साइज़ के लिए इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको दिखाई देगा। ये हमारा ये देता है हमें वो आइकन, ये जो है उसको लेफ्ट में करता है। इसको सेव करेंगे अभी आप, सेव करके अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ये, इसको ये जूम है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से दिखाई देगा ये वाला। नेक्स्ट जो हमारा इसी के नीचे है, इसमें है कि किस तरीके से आप राइट में पुल कर सकते हैं किसी भी आइकन को, सो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसमें इसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। देखिए ये इससे हमें वो आइकन मिल जाएगा, देन ये साइज़ के लिए डिफाइन किया कि ये इसको राइट में करेगा और इससे हमें बॉर्डर मिलेगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज में, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये, देखिए बॉर्डर है ठीक, और ये एरो है। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, यहाँ ये वाला बॉर्डर ध्यान में रखिएगा ठीक है, ये वाला बॉर्डर नहीं, पैराग्राफ में बॉर्डर नहीं बल्कि आइकन में बॉर्डर, बिकॉज आइकन में ही आपने इसमें लगाया, आइकन में ही। ओके, सो ये तो बॉर्डर की बात होगी, उस स्टैकिंग आइकन्स में देखते हैं कि क्या है देखने को। स्टैक्ड आइकन का मतलब होता है एक आइकन के ऊपर दूसरा आइकन, अगर इस तरीके से कुछ हम लोग बोलें तो इसमें गलत नहीं होगा। यू कैन स्टैक आवर आइकन्स ईजिली विथ दी सपोर्ट स्टाइलिंग बंडल्ड विथ फॉन्ट ऑसम, टू स्टैक मल्टीपल आइकन यूज दी एफ ए स्टैक क्लास अ पैरेंट ऑफ दी टू आइकन्स, इफ यू वॉन्ट टू स्टैक देन एड दी एफ ए स्टैक दिस क्लास फॉर दी रेगुलरली साइज्ड आइकन एंड एड दी एफ ए स्टैक टू एक्स क्लास फॉर दी लार्जर आइकन, एफ ए इनवर्स कैन बी एडेड टू दी आइकन विद दी एफ ए स्टैक वन एक्स टू हेल्प विद दी नॉकआउट लुकिंग इफेक्ट, यू कैन इवन थ्रो लार्जर आइकन क्लासेस ऑन दी पेरेंट टू गेट फर्दर कंट्रोल ऑफ साइजिंग। सो यह बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया, बट इसमें से एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको जो कि ये है, बिकॉज ये मुझे बहुत ही कूल लगा, और इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पर। सो इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ आप देखेंगे एक स्पैन बनाया गया है, इसमें एफ ए स्टैक ये क्लास यूज़ किया गया है और ये साइजिंग के लिए, और इसके अंदर एक आइकन है पहला एफ ए कैमरा, इससे कैमरा आपको दिखाई देगा, उसके बाद एफ ए स्टैक वन एक्स, देन एफ ए एस एफ ए बैन एफ ए स्टैक टू एक्स, ये लिखा गया है, इसका साइज 1x, इसका 2x। सेव करेंगे इसको, सेव करने के बाद इसको वेब पेज में अगर आप देखेंगे, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आपको वो चीज़ तरीके से दिखाई देगा ठीक है। जिस आइकन को आपको बड़ा करना हो उसमें आप 2x साइज लिखिए, जिसको छोटा करना है उसको 1x लिखिए, जो छोटा करेंगे वो नीचे, जो बड़ा करेंगे वो ऊपर में है। ओके, सो गाइज यही है आपका कि किस तरीके से आप स्टैक्ड कर सकते हैं अपने आइकन्स को, और भी बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल है इसमें, आप देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा फील होगा उसको देखकर, प्रैक्टिस करके, मतलब एक प्राउड फील होता है कि आपने, हाँ आपने कुछ सीखा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि आगे इसके आगे क्या है हमारा, पावर ट्रांसफॉर्म। ये न्यू है, आप जैसे कि देख पाएंगे यहाँ न्यू लेबल लगा हुआ है, जैसे ये न्यू है फॉन्ट ऑसम 5 में, क्योंकि SVG इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इसमें लिखा गया, दिस फीचर रिक्वायर्स दैट यू यूज़ आवर SVG प्लस JS वर्सन ऑफ फॉन्ट ऑसम, तो हम लोगों ने इसको तो यूज़ नहीं किया है इसलिए इसका एग्जांपल हम लोग देख नहीं सकते, ये काम नहीं करेगा। सिमिलरली इसके अंदर जो मास्किंग आइकन से ये भी काम नहीं करेगा, और ये लेयरिंग टेक्स्ट काउंटर्स भी काम
नहीं करेगा। तो ये तीन चीज़ें अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, कभी मौका मिलेगा तो इसको ज़रूर से देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, एक क्रैश कोर्स था आपके लिए ये फॉन्ट ऑसम का। होपफुली आप लोगों को सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कुछ और चीज़ें मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। एक्चुअली आइकन्स में क्लिक किया मैंने, आइकन्स में क्लिक करने के बाद हम लोग एंड्रॉयड यहाँ लिख कर आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं और आइकन्स चूज़ कर सकते हैं। मैंने मुझको ये चाहिए तो मैंने इसको क्लिक किया और इसके नीचे आते हैं। यहाँ से हम इसको इसके कोड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और इसमें हम लोग फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर देते हैं, FA 8x। सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद वेब पेज में इसको कॉपी पाथ कर लेते हैं, हम लोगों ने कॉपी इसको नहीं किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ हम लोग इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने से हमें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर में है। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं इनलाइन स्टाइल देकर। यहाँ अगर आप स्टाइल देते हैं या फिर एक स्पैन के अंदर इसको लिखिए और स्पैन में स्टाइल दे दीजिए, वो भी सही है। मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, होपफुली ये वर्क करेगा। कलर आपको देना है ग्रीन। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ से तो ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। ओके, सो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप इनलाइन में इसका फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, होपफुली आप सभी को पसंद आएगा और अच्छा लगेगा फॉन्ट ऑसम। इसका इस्तेमाल करते हैं लोग बहुत सारा फॉन्ट ऑसम का, बहुत सारा नहीं लेकिन जहाँ आपको आइकन्स का यूज़ करना वहाँ आप इसका कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप किसी क्लाइंट के लिए जो कि वेब एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का अगर वो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसकी वेबसाइट में आप इस आइकन को लगाना चाहेंगे तो आप इसका वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसी को अगर इमेज की तरीके से भी यूज़ कर सकते थे कि आप इमेज एक डाउनलोड कर लेते और इसको वेबसाइट में लगा देते, बट इमेज को रेंडर होने में ज़्यादा समय लगता है कंपेयर टू दिस वन, इसीलिए लोग इसको प्रीफेर करते हैं इमेज के बजाय। ओके, इमेज तो ईजी है, आप इमेज टैग बनाते हैं आपका काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी इमेज जो है वो लार्ज साइज का होता है और उसको रेंडर होने में, लोड होने में, वेब पेज को लोड होने में थोड़ा ज़्यादा समय वो ले लेता है। सो इसका आप यूज़ कर सकते हैं उसके इसमें। ओके गाइस, सो बस फॉन्ट ऑसम में इतना ही और उम्मीद है आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। एक और बात मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा, फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट और इसका जो ये इंक्लूड करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो मैं आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इस वीडियो में पूरी तरीके से डिपेंड हो जाइए और आपको भी, आप अगर इस वीडियो को 4 साल 5 साल बाद देखेंगे तो मे बी इसका वेबसाइट चेंज हो गया होगा और इसको इंक्लूड करने का तरीका अलग हो गया होगा। लेकिन एक तरीका जो कि सेम होगा, अभी मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता है, भविष्य का कौन जाने मैं नहीं जानता, जो कि है CDN। आई गेस ये अभी कम से कम इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला है। तो आपको अगर नहीं पता चले कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे लोकली तो आप सिंपली इसके CDN को यूज़ कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, इतना ही बात करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉन्ट ऑसम से रिलेटेड अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।